YouTube का, या तो इसमें हम सफल हो जाएंगे या मैं 2023 में YouTube को ही छोड़ दूंगा, ये YouTube से बाहर निकाल देगा। दो चीजें हो जाएगी अगर आप। नमस्ते सलाम गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप सब मस्त और मजे में होंगे गाइज। एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों साल खत्म होने वाला है और ये मेरे चैनल पे 2022 का लास्ट व्लॉग होने वाला है। इसके बाद 2022 चला जाएगा और अपने वीडियो बनाएंगे 2023 में। तो ये मेरा इस साल का लास्ट व्लॉग है और आज लास्ट दिन भी है। तो हैप्पी 2022 का लास्ट दिन वो भी है, आप सभी को बधाई हो इस दिन की। ये भी दिन खास है गाइज, क्योंकि 2022 पूरा साल तो खास नहीं रहा, लेकिन इस दिवस को अपने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी दिन है और आने वाले साल में क्या कुछ नया होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। मैंने 2022 में क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आज मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें वो शेयर करने वाला हूँ, जो शायद मैंने अभी तक शेयर नहीं की और जो शायद की भी होगी, लेकिन कहते हैं ना वो पूरे साल की थोड़ी सी याददाश्त वो ताजा करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 2022 जो साल था वो मेरे लिए उतार चढ़ाव वाला साल था। इसमें मैंने बहुत चीजें ऐसी थी जिनको मैंने पाया, बहुत चीजें ऐसी थी जो मैंने मतलब हाथों में आकर भी चली गई, कुछ ऐसा भी हुआ और बुरा भी हुआ। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मेरे लिए 2022 जो साल था वो बहुत ही ज्यादा बुरा रहा। और आपके लिए कैसा रहा, मैं ऐसा नहीं कहता सबके लिए ऐसा रहा, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसमें मेरे साथ जो हुआ वैसे ही आपके साथ हुआ होगा, या फिर ऐसे कहें कि हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हुआ होगा, बढ़िया रहा होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं बात करूं ओवरऑल 2022 की, तो मेरी जिंदगी में जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि जब मैं शुरुआत में जनवरी फरवरी का जो टाइम था वो मेरे लिए 2022 का अच्छा था। जनवरी से लेके दिसंबर तक आते आते तो बहुत खस्ता हालत, वो आपको पता ही है, जैसे जैसे साल बीतता वैसे वैसे कठिनाइयां बढ़ती गई मेरे लिए 2022 में। अगर मैं वैसे बात करूं तो 2022 में मेरे लिए वो साल था जब मैं पहली बार आउट ऑफ स्टेट गया था, आउट ऑफ स्टेट, हाँ आउट ऑफ स्टेट गया था। 2022 में मैंने दिल्ली देखी, मैं पहली बार 2022 में दिल्ली गया था। अगर ट्रेवल की बात करूँ तो मैं दिल्ली पहली बार गया था 2022 में, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही, अभी तो मैं दो तीन बार तीन चार बार चला गया, लेकिन मैं 2022 वो साल था जब मैं दिल्ली में पहली बार मैंने अपने कदम रखे थे। अच्छी चीज़ की बात करूं तो मेरा जो सपना, हर किसी का सपना होता है कोई बड़ी सिटी जाके देखने का, अगर एक गांव से जो बिलोंग करता है, और मैं एक गांव का रहने वाला हूं आपको पता ही है, और मेरा जो गांव है वो बॉर्डर पे पड़ जाता है, तो यार यहाँ पे वैसे भी संसाधनों की कमियां तो रहती है, लेकिन ऐसा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने पहली बार जब मैं दिल्ली में गया तो बहुत अच्छा था। और यार इसको यहाँ पे रख लेते हैं कि जय मेरे साथ बुरा क्या हुआ 2022 में, तो यार वो उसकी लाइनें लिस्ट बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। मेरे साथ बहुत ज्यादा चीजें थी जो यार मुझे स्ट्रगल जितना करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, सब चीजें मतलब 2022 में बहुत सब कुछ हुआ यार, वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा आज। कभी आज तक पहले बताया नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में मेरे साथ क्या क्या कुछ घटा, मतलब कितना मुझे नुकसान हुआ, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यार मेरी यूट्यूब फैमिली लोग ही बनाता है। सबसे बड़ी बात YouTube की बात करें तो 2022 मेरे लिए वो साल था जब मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। मैंने 2022 में YouTube पे अपना देखी जाए ना तो भी 70% मैंने YouTube को दिया था खुद का, चलो 30% मैं और कामों में व्यस्त रहा, 100% मैं नहीं मानता, लेकिन मैं 70% मैंने YouTube को दिया, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। मैंने डेली का एक व्लॉग बनाने का टारगेट रखा था पिछले महीनों में, लेकिन अभी तक कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई। ये सबसे बड़ा मलाल था मेरे लिए 2022 के अंदर, मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई इसलिए चीज़ की, तो वो ये थी गाइज कि मैंने जिंदगी में, जिंदगी का जो पहला आईफोन होता है ना वो सबके लिए यार, मेरे जैसी फैमिली से जो बिलोंग करता है ना उसके लिए आईफोन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, कि यार इतना महंगा फोन लाना घर पे, और होता ही है ना। तो यार मैंने इतनी मेहनत की, शुरुआत से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आखिर मैं उसको पा भी लिया मैंने, लेकिन हुआ क्या जब मैं उसका यूज करने वाला था तभी क्या हुआ, जब दो तीन महीने मैंने यूज किया उसके बाद मेरा फोन जो था वो चोरी हो गया। उस दिन तो भाई साहब इतना बुरा लग रहा था ना जिंदगी में, मतलब मेरे ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत ही नहीं है यार आईफोन चलाने की। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको टोर शोर के लिए, कई जो बड़े घर के लोग होते हैं या फिर टोर शोर के लिए लेके आते हैं आईफोन, लेकिन मैं लेके आया था अपने काम के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, ताकि मैं चाहता था कि मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए, मैं अच्छा व्लॉग बना पाऊँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए ही मैं आईफोन लेके आया था, और वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत करके। वो तो मैं क्या ही बताऊँ यार, उसकी तो पूरी लिस्ट है, मैंने पता नहीं कैसे कैसे उसकी सेविंग की, बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैं एक आईफोन लेके आया था, आईफोन 11, और वो मेरा फोन जो है, मैं जब दिल्ली गया था पहली बार, तब कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, वो ऐसे ही नहीं कहते गाइज, दिल्ली में बहुत ज्यादा संभल के आपको रहना पड़ता है। और मुझे जब मैं पहली बार गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली तो यार ऐसे लोग बात ही करते हैं, तो मैं ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा
बेफिक्र हो गया था क्योंकि मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। दिल्ली में बहुत सारा घुमा, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वीडियो वगैरह सब बना लिए थे, तब क्या हुआ कि मेरा वहाँ पे फ़ोन चोरी नहीं, पूरा बैग ही चोरी हो गया। बैग के अंदर मेरा फ़ोन था, और जैसे ही वहाँ से फ़ोन चोरी हुआ तो तब मेरा मतलब मैं टूट गया था यार। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि यार मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मुझे इस बात की चिंता थी कि यार जो मेरा डाटा है अगर वो मेरे पास हो जो मैं यूट्यूब पर चढ़ा सकूँ तो यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ आपके लिए गया था, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए गया। वो चीज़ें मैंने आज तक शेयर नहीं की, घर पे भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह, क्योंकि यार अगर मान लो मैं ये चीज़ बोलता घर पे कि यार मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मेरा बैग चोरी हो गया है, तो आपको पता है क्या होता, बस उसमें क्या नेगेटिविटी फैल जाती। वो नेगेटिविटी ये थी क्योंकि एक तो मैं पहली बार गया था दिल्ली, तो अपने जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो उनके घर वालों को एक और डीमोटिवेट हो जाते कि यार बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, तो वो समझदार नहीं होते। जबकि गलती मेरी खुद की थी, मुझे पता है कि मेरी खुद की गलती की वजह से मेरा बैग चोरी हुआ था। अगर मैं बात करूं दिल्ली में, तो दिल्ली में छीना झपटी कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने तो अपनी वजह से कहते ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो बात हो गई मेरे साथ। मैंने कहीं बैग रखा और बस देखा 15 मिनट बाद तो वो गायब, बस वो मेरी गलती थी ना। तो इसमें मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई कि मेरे आईफोन के साथ क्या हुआ, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे लेट सेट, वो सब चीज़ें मैंने नहीं बताई। इसीलिए नहीं बताई ताकि यार उससे लोग डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि इससे डीमोटिव हो जाते हैं लोग यार, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा वो डांटने लग जाएंगे, वो चीज़ें वो वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं। तो मैंने पॉजिटिविटी फैलाने के लिए ही मैं अपने ये मैंने कोई चीज़ें अपना वो स्ट्रगल वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैं बस आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। ये था मेरे लिए 2022 सबसे बड़ा नुकसान जो था वो यही था, वो दुख इस बात का फ़ोन का। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ मुझे फ़ोन का अभी तक कोई भी दुख नहीं है कि यार वो तो एक है ना कि मोबाइल क्या है, मोबाइल तो ले आएंगे दूसरा ले आएंगे, लेकिन वो जो डाटा होता है ना वो नहीं लेके आ पाऊंगा मैं। डाटा मेरा बहुत कुछ था यार उसके अंदर, जो मैं अगर यूट्यूब पर डालता तो आई थिंक वो वीडियो वायरल हो जाती। की जाए अगर मेरे ट्रेवल के बारे में, तो मैं जिस विभाग में काम करता हूँ ना गाइज, और क्या बुरा हुआ मैं आपको वो बताता हूँ, मैं जिस विभाग में काम करता हूँ उस विभाग में क्या है कि टूर वगैरह आते रहते हैं। तो पिछले साल क्या हुआ 2022 में, अभी जनवरी में कोई प्रोग्राम होना था, जो होना था वहाँ पे तमिलनाडु में शायद, ठीक है, हाँ तमिलनाडु में होना था। तो उस प्रोग्राम के लिए जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया, मतलब जो टॉप वॉलंटियर्स होते हैं ना वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो हमने क्या जो 3 वॉलंटियर है मेरे साथ और भी है 2, तो वो भी अच्छा काम करवा रहे थे, हम टॉप पे चल रहे थे, तो सर ने हमें बोला कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दो, आप 3 लोगों को हम वहाँ भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या किया, उन सब का वो फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमारे मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि यार जिंदगी में पहली बार तमिलनाडु जाएंगे, राजस्थान से तमिलनाडु बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है यार, और मेरे लिए सपना जैसा था एक कि यार गवर्नमेंट हमें कहीं घुमा के लेके आ रही है। अभी क्या हुआ, टिकटें वगैरह सब बुक हो गई, और 2022 की शुरुआत की बात है ये, अभी जब जाना था ना उससे ठीक एक दिन पहले कोविड की नई गाइडलाइन आ गई और उन्होंने क्या किया, टूर को कैंसिल कर दिया, और कोविड के कारण वो टूर कैंसिल हो गया। अब अभी ठीक एक दिन पहले जो कर्नाटक टूर था हमारा, कर्नाटक में जाना था मंत्रालय की तरफ से, वो भी मेरा कैंसिल हो गया, और वो उसमें भी एक ही बंदा बुलाया है और वो भी हमारा कैंसिल हो गया। पूछो मत भी यार, हो ही जाता है, 2-2 बार दिल टूट जाता है यार बंदे का। तो वही सब मेरे साथ हुआ और बहुत ज़्यादा दुख हुआ 2022 में। ये जो टर्निंग पॉइंट था, मेरा आईफोन चोरी हो गया, उसके बाद ये टूर कैंसिल हो गया। टूर कैंसिल होने के बाद में अब देखो और भी बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें कुछ मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। मेरा उतार चढ़ाव होता रहा जिंदगी के अंदर, चलता रहा, ये सब चीज़ें हैं। अभी यही सोचता हूँ कि यार जो नेक्स्ट जो साल होगा ना वो अच्छा आएगा, लेकिन कहते हैं ना 2022 के बाद एक बढ़कर ही होता है 2023। अब उम्मीदें नहीं है, पहले उम्मीद होती थी कि यार चलो नया साल आएगा तो, अब मेरे साथ 2021 ऐसे ही हो रहा है ना, सबके साथ ही हो रहा होगा, तो उम्मीद नहीं है कहीं भी कि यार अगला 2023 भी अच्छा आएगा। इसलिए मैं YouTube पे भी जो काम कर रहा हूँ ना, दुख इस बात का भी ज़्यादा है कि यार YouTube पे लगातार वीडियोस देने के बाद, इतनी अच्छी एडिटिंग करने के बाद, इतनी अच्छी जगहों पे जाने के बाद, बहुत सारा खर्चा लगाने के बाद भी वीडियो वायरल नहीं हो रही। और क्वालिटी की बात करें वो तो आप देखते ही हो गाइस, मेरी क्वालिटी अच्छी खासी आती है, ऐसी बात नहीं है मैं क्वालिटी में कोई इंप्रूव नहीं कर रहा। मैं क्वालिटी के लिए मैंने अच्छा फ़ोन भी लिया है, लेकिन फिर भी वायरल नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ा दुख है यार 2022 का। अभी उम्मीद यही है कि यार 2023 मेरे लिए अच्छा आएगा, और आप सबके दुआओं और आप सबकी सपोर्ट की वजह से कुछ अच्छा कर पाएंगे यूट्यूब पे, और 2023 में मैं अपने यूट्यूब पे लेके आऊँगा। अगर मैं सीधी तौर पे बोलूँ ना, तो 2023 वो साल रहेगा अपने YouTube का, या तो इसमें हम सफल हो जाएंगे या मैं 2023 में YouTube को ही छोड़ दूंगा।
ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और वो भी मैं देख रहा हूँ सिर्फ 2 महीने तक, 2 महीने तक मैं जरूर इसमें वेट करूंगा कि 2023 में मेरे साथ यूट्यूब पे अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, जनवरी और फरवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नहीं कामयाब होता हूँ तो मेरे को यूट्यूब छोड़ना ही पड़ेगा अगर मैं इसमें कामयाब नहीं होता हूँ 2 महीने में, क्योंकि यार मैंने बहुत सारी टॉर्चर सहा है और बहुत सारी मेहनत भी की है, मुझे पता है कि मैं कैसे अपना ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ चैनल को, और लेकिन हो नहीं पा रहा, तो आपको पता ही है। अब आपको मैं ये बता दूँ, एक नई एनर्जी आप देखने को मिलेगी आज से, आपको 2023 से मेरी वीडियो में एक नई एनर्जी आप देखोगे। मैं ये नॉर्मल वीडियो बंद कर रहा हूँ और एक अच्छे कॉमेडियन टाइप के जो आपको अच्छे लगे वो व्लॉग आपको मैं देखने को मिलेंगे, और आपका जो भी विचार रहता है 2023 में मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, 2023 में मुझे क्या अच्छा करना चाहिए अपने YouTube के लिए, वो सारी चीज़ें हैं वो आप मुझे ही बताएंगे, आप ही बताएंगे और कौन बताएगा भाई, कमेंट करके जरूर बताना कि मैं नई वीडियो किस तरह की बनाऊं। अगर आप कुछ सजेशन दे सकते हो तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करूंगा 2023 में, 2022 तो चला गया, तो लंबा होता जा रहा है और ये सब बातें तो होती रहेगी। आप अपने बारे में बताइए कि 2022 आपका कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, आप जरूर कमेंट करके बताना। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी जो मैंने इस व्लॉग में नहीं बताई है, क्योंकि यार 2022 मैं ये सोच रहा हूँ वो चला गया दिन, वो चला गया क्या आप जिक्र करना है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। अब बात आखिरी बात यही कहूंगा कि बस यार 2022 आपके लिए जैसा भी था, 2023 आपके लिए खुशियां लेके आए, बहुत सारी चीजें जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिले और सफलता मिले आपके हर काम में। और इसी बात के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपका 2022 कैसा रहा, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ 2023 में। और 2023 में गाइज ये जो साल है ना, ये मेरे लिए या तो कामयाबी देगा या फिर मुझे YouTube से बाहर निकाल देगा, दो चीजें हो जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट रही तो 2023 में मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये आप ही चाहोगे बस, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपको नई वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।